होना भी चाहिए। जब वो हर स्थान पर पराजित हो जाता है, हर मोड़ पर असफल हो जाता है, टूट जाता है, तो वो कहता है कि यदि भगवान ने एक द्वार बंद किया है तो वो दूसरा द्वार अवश्य खोल देंगे। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? तो बताइए, यदि ये सत्य है तो ऐसा क्यों होता है कि कई लोग असफल होते हैं, कईयों को वो द्वार दिखाई ही नहीं देता? क्या भगवान आपके साथ छल कर रहे हैं? नहीं, भगवान आपके साथ छल नहीं करते, आपका मन है जो आपके साथ छल करता है। मन जिसमें मोह है, अब भगवान कहें या नियति, वो ना द्वार खोलती है ना द्वार बंद करती है, ऐसा हमारा मन समझता है। द्वार तो सदैव खुले होते हैं, परंतु असफल हो जाने के पश्चात मनुष्य उस बंद द्वार को देखता रहता है और इसी कारण वो अन्य द्वार को ना देख पाता है ना खोज पाता है। तो सफलता पाने का मूल मंत्र है मोह का त्याग, निरंतर परिश्रम, और फिर देखिए आपको अपने जीवन में सारे मार्ग खुले हुए मिलेंगे। एक मनुष्य सदैव शांति और अपनी स्वतंत्रता चाहता है, परंतु जैसे उसे यह अधिकार मिलता है वो दूसरों का प्रभुत्व छीन लेना चाहता है, वो उनका अधिकार, उनकी स्वतंत्रता को छीन लेना चाहता है। वो ऐसा अपने आनंद, अपने लाभ के लिए करता है, अपने लाभ के लिए वो दूसरों का शोषण करता है, जो आलोचना नहीं करता उन पर अधर्म करता है। परंतु वही मनुष्य एक बात का स्मरण रखना भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसे उसका फल भी देंगे, उसका प्रारब्ध उसे उसके मंतव्य तक अवश्य लेकर जाएगा। वर्षा का जल चाहे सागर में मिले या माटी में, परंतु समय के सूर्य की किरण उसी जल को वश्म में परिवर्तित भी कर देती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य की विनम्रता का इतना अधिक लाभ ना उठाएं कि वो उग्र हो उठे। जीवन में सफल कौन नहीं होना चाहता? पद में, प्रतिष्ठा में आकाश जैसी ऊंचाई किसे नहीं चाहिए? स्थिरता में भूमि जैसी दृढ़ता किसे नहीं चाहिए? सभी को चाहिए, परंतु सफलता का पुष्प अपने साथ अहंकार का कांटा भी लाता है। सफलता आपको आनंद देती है, उपलब्धि आपको गर्व देती है, और फिर यही आनंद धीरे धीरे अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, फिर अतिक्रमण में, और अंततः अन्याय में, और यही से सफलता का नाश प्रारंभ हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सफलता लोगों की दृष्टि में सम्मान बनकर रहे, लोगों के मन में शूल बनकर नहीं, तो ये आप वृक्ष से सीखिए। फलों से लदने के पश्चात वो झुक जाता है, उसी प्रकार सफलता मिलने पर विनम्रता अधिक आवश्यक है। और जीवन में अधिक सफलता पाने के लिए या पाने पर और अधिक विनम्र हो जाना चाहिए। जीवन में कौन सी चोट सबसे घातक और भूखे पेट की पीड़ा, या निर्धनता की मार, या प्रेम में आघात, या शत्रु का प्रहार? नहीं, सबसे अधिक घातक और पीड़ादायी होता है विश्वासघात। और विचित्र बात यह है कि जितनी हानि, जितनी पीड़ा, उसको कहीं अधिक हानि। कारण, भले एक बार के लिए विश्वासघाती को क्षमा कर भी दिया जाए, दोबारा
भूल कर भी उस पर कोई मूर्ख भी विश्वास नहीं करेगा। विचारिए, विश्वास जीवन की आस होती है और एक विश्वासघाती न केवल दूसरों के जीवन में स्वयं के जीवन में भी विष का वास कर लेता है। क्या आपने अपने जीवन में कभी तलवार खरीदी है? क्या देखकर तलवार खरीदते हैं? उसकी मयान देखकर या उसकी धार देखकर? अरे मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। यह आवश्यक थोड़ी कि आप कोई योद्धा या क्षत्रिय हो, यह भी हो सकता है कि आप कोई व्यापारी, कोई छात्र या शिक्षक हो। तो चलिए मैं आपसे यह पूछता हूं कि आप नए वस्त्र कैसे खरीदते हैं? क्या उसका रंग रूप देखकर खरीदते हैं या उसकी गुणवत्ता देखकर? गुणवत्ता देखकर, है ना? ठीक उसी प्रकार जब आप किसी मनुष्य से मिले तो उसके रंग रूप पर मत जाइए, उसका आचरण समझने की चेष्टा कीजिए, उसकी मेधा, उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। आप इस जलती हुई अग्नि को देख रहे हैं? इसमें जलते हुए अंगारों को देख सकते हैं? बड़ा गर्म है, हाथ भी जला सकता है, परंतु जब यह ठंडा हो जाता है तो आप इसे हाथ में पकड़ सकते हैं। परंतु देखिए, ठंडा होने के पश्चात भी इसने हाथ काला कर ही दिया। यही गति दुर्जनों की भी होती। आप भले ही उनके साथ जलकर नष्ट नहीं हुए, परंतु आप भी अपयश के भागी अवश्य बनते हैं, क्योंकि बुरे व्यक्ति का साथ कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि दुर्जनों से हम दूर रहें।